बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हर एक प्लेयर की अपनी माइंडसेट होती है। आज मेरा पहला मैच, इंडिया के खिलाफ पहला मैच, वर्ल्ड कप का पहला मैच, कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, मगर वो लाइफ का हिस्सा है, होता रहता है। वो चीज़ें सीक्रेट होती है, वो बताई नहीं जाती। मगर और अगर हम पूरी टीम, पाकिस्तान टीम की बात करें, अगर आप पूरा मैच उठा के देख ले, सम टाइम ये प्रेशर वाला मैच होता है। वर्ल्ड कप का पहला मैच एज ऑलरेडी जो भी मैच होगा, प्रेशर का मैच होगा। और जिस बेसिकली जिस तरह ये मैच और हाइप मिली हुई है, अलग प्रेशर था। मगर आप हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की प्लेयरों की अगर एफर्ट देख ले, क्योंकि यहाँ से अगर मैं सिर्फ इतना सा क्लू दे दूँ, अगर एक टाइम पे हमारा एक बॉल गया मिड विकेट पे, उस टाइम पांच प्लेयर उस बॉल के करीब थे। तो ये हमारे वो प्लेयरों की वो जेलनेस थी, वो एजिलिटी थी, वो एनर्जी थी, जिसकी वजह से हमारी रिजल्ट हमारे बहुत करीब थे अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल हमारी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नो डाउट इंडिया की टीम तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है, और वो लोग भी अच्छे खेले। मगर बहरहाल जिस तरह मैं बाबर ले गए और शुरू में शाहिन शाह ने हमें विकटें दी, मेरे ख्याल से वही एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे हमें शुरू में पावर प्ले में विकटें मिली, जिसकी वजह से हमने कम रिस्ट्रिक किया उनको। फिर मैं और बाबर से एक प्लान लेके गए, जिसके अल्लाह पाक ने सब कुछ आसान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आई थिंक पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जितने भी, पहले तो इंडिया से वर्ल्ड कप में नहीं जीते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। और ऊपर से फिर जैसे टीम एफर्ट सारे लड़के, आई थिंक काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इंशाल्लाह हम होपफुल है कि हम इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप अच्छा खेलेंगे। जैसे हमें स्टार्ट मिला, कोशिश यही है कि इंशाल्लाह उस स्टार्ट को आगे लेके जाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को और मैचेस जीतें। देखिए जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि माशाल्लाह भी है पाकिस्तान से जीते हम सारे, और पूरे पाकिस्तान कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए जी, बेसिकली मेरे से पहले अगर यहाँ पे कुछ और प्लेयर होते तो कुछ और जवाब देते, क्योंकि मेरा फर्स्ट मैच था अगेंस्ट इंडिया और फर्स्ट मैच था वर्ल्ड कप में। मेरे लिए तो, अगर पर्सनल में बात करूँ तो कुछ खास ऐसा, मतलब डिफरेंट नई चीज़ और मैचों में रंग नहीं रखा इस चीज़ को, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर हो इतनी चीज़ों को मुझे नहीं पता क्या सवाल हो रहे, क्या जवाब हो रहे, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या नहीं, मुझे तो नहीं पता। मगर बहरहाल जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, एक चीज़ को जब मैं बेसिकली मैं देखता था मैचेस वर्ल्ड कप से बाहर की, इंडिया पाकिस्तान की मैचेस होता था, तो जो चीज़ें मैं उस टाइम नोट करता था कि यार हमारी टीम शायद यहाँ पे मिस्टेक, उस टाइम शायद मैं गलत ही बोल सकता था, मगर मैं उस टाइम जब नोट करता था तो अभी कोशिश की उस चीज़ को अप्लाई करने की आज, जिसकी वजह से हमारे मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली है। और अगर आप लास्ट में देख लें, मैं और शुएब भाई भी इकट्ठे हो गए थे लास्ट ओवर पे, तो उसने भी वहां पे एक बात की है कि यार जो मेरे अंदर थी, शुएब भाई ने भी वो बात की। अब मगर वो बात हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसको सीक्रेट रहे, क्योंकि बता नहीं सकते, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप सर पे पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें बता नहीं सकते। मगर इससे अगर आप हमारी और चीजें देख ले, जैसे एनर्जी की बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ना कि ग्राउंड में और आउट द फील्ड, हम होटल में भी ऐसे हमारे सारे लड़के बहुत प्यार वाले, मोहब्बत वाले, बहुत सारी चीजें। और अगर पूरी टीम की चीजें देख ली जाए, ओपन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नए बॉल स्ट्राइकर शाहिन शाह, स्पिनर हमारे पास है, डेथ बॉलर्स है, लेफ्ट आर्म है, ऑफ स्पिनर है, ओपन हिटर्स सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने पूरे किए हैं। मगर जेलनिस की देर थी, अल्लाह पाक ने पूरी कर दी, इसकी वजह से रिजल्ट इजी आ गए। और जहां तक आपने बात की शाहिन शाह से, तीन ओवर कराने, तो देखिए जी अगर हम बहुत सारी चीजें देख ले, T20 क्रिकेट में कहा जाता है कि हिटर चाहिए, हमें पावर हिटर चाहिए, ठीक है जी। मगर आप क्रिकेट देखें उठा, यहाँ के अगर दुबई में देख ले, तो पावर प्ले 30, 37, 35 पे खत्म हो रहे, 3-3, 4-4 आउट हो रहे हैं। तो एकदम आपको सारी चीजें चेंज करनी पड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह शाहिन शाह, अगर आप भी आजकल, आप ये तो सामने बैठे, इसलिए मैं उसको ला भी नहीं रहा था, मेरे कह के दूर रहे, क्योंकि शाहिन शाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मेरे ख्याल से, मेरे लिए पर्सनली पाकिस्तान जो वर्ल्ड के जो टॉप बॉलर है, मैं उसके अब गिन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह इसको बहुत सारी चीजें मिली हुई है, तो वो मैं खुद पर्सनली से कहा हुआ है, क्योंकि एक डिमांड थी पिच की, और जिस चीज की डिमांड की थी कप्तान ने, इसने उसने करके दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी रिजवान, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, शाहीन आपको भी। हमें पिछले 10 सालों में ओपनिंग पेयर का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबर और आपने जब से ओपनिंग स्टार्ट की है, वो मसला हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो किस तरह आप लोगों की कोऑर्डिनेशन चलती रही और क्या डिस्कस करते रहे जब ग्राउंड में आए, और फिर फास्ट बॉलर्स के लिए क्या कहेंगे? बहुत आउटस्टैंडिंग रहे शाहीन भी और हारिस राउफ, जो कि वार्म अप मैचेस में बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ शाहीन पे भी और हारिस में भी, लेकिन इन दोनों ने उसको गलत साबित किया। यार क्रिटिसिज्म तुम्हारे पे भी हो रहा है कि वो ऊपर क्या कर रही है। लेकिन ये ऐसा है कि अगर मैं, हम इन चीजों को देख ले, हमारे ओपनर्स पहले आपसे कह दिया है कि अगर हम वेस्ट इंडीज की टीम को उठा के देख ले, पावर हिट दुनिया के मशहूर सबसे फेमस पावर हिटर्स है, मगर मेरे ख्याल से, मेरे लिए पर्सनली, क्रिकेट पिच को, कंडीशन को रीड करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है
दुबई की डिमांड 230-250 रन नहीं है T20 में, दुबई की डिमांड 120 है। जहां पे 200 होगा अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने हमें वहां पे 200 भी करा दिया हुआ है, मैं और बाबर भी खेलते हुए। ये हमारे मेरे ख्याल से तीसरा हुआ 150 का पार्टनरशिप फिर हुई है। तो ये चीजें देखिए, अगर अभी भी मैं तो मेरे ख्याल से अभी भी शायद लोग यही कह रहे हैं कि हमारे पास ओपन, जैसे आप लास्ट टाइम मेरे पास कॉन्फ्रेंस था उसने कहा अगर आपको कुर्बानी देना पड़े तो आप पीछे चले जाए। तो वो अभी ऐसे सवाल अब इनको आप लोग ही समझा सकते हैं और हम तो सिर्फ आप लोगों को क्या कहते हैं जवाब दे सकते हैं। मगर मेरे बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि प्रेशर बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर है, जो प्रेशर को हैंडल करता है, जो कंडीशन रीड करता है, उस तरह खेलने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से ये मेन पॉइंट है। अच्छा रिजवान, आपने न्यूजीलैंड के दौरे से ओपनिंग शुरू की T20 में और कप्तान थे पहले मैच में, उसके बाद से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा आपने एक मैंने सवाल पूछा था उस दौरे में भी, आपने कहा था मैं और बाबर आजम जब जाते हैं ओपनिंग करने के लिए हम दोनों फैसला करके जाते हैं कि अगर एक जल्दी आउट हुआ तो दूसरा आखिरी ओवर तक जाएगा, इनिंग को सेव करे। आज ऐसा क्या कहा था कि ना एक आउट हुआ, दोनों खेलते भी रहे और पूरा स्कोर भी कर लिया और मैच भी खत्म करके आ गए। देखिए जी, अब सम टाइम लक साथ होती है, अब अल्लाह पाक जब देखिए, पर्सनली बिलीव इस चीज पे करता हूँ कि यार निजाम चलाने वाला अल्लाह जल्ले जलालू है और हर किस्म के रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, क्योंकि टास हमारे हाथ में नहीं है, वेदर हमारे हाथ में नहीं है और रिजल्ट भी हमारे हाथ में नहीं है। मगर हमारे एज ए टीम, हमारे लड़कों की एफर्ट, हमारी मेहनत, ये हमसे इतनी हो कि दूसरी टीम से ज्यादा हो, तो अल्लाह पाक जरूर हमें जो बेहतरीन इंसाफ कर रहे हैं अल्लाह जल्ले जलालू है, तो हमें जरूर वो जो है रिजल्ट देंगे। बहरहाल इसके जो आपने वहां से कहा है कि न्यूजीलैंड से पीछे नहीं, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड से आप देख ले तो वही से मुझे ओपन मिली है जो पूरा पाकिस्तान कहता था कि रिजवान को ओपन सूट करती है, तो वहां से मिजाबी ने मुझे ओपन दी, उसकी वजह से फिर अल्लाह पाक ने मुझे वहां परफॉर्म करवाया और फिर इससे पहले थोड़ा पीछे से था उसको पास को छोड़ देते। तो मगर बाबर भाई की जहां पे हमें और वो कोशिश करते हैं, अभी भी यहां पे भी ऐसी बात हुई थी कि रिजी हम दोनों जाएंगे अगर आप एक ओवर रखे देख लीजिए जिसमें चक्रवर्ती को दो छक्के पड़े थे, उसमें हमने ये डिसाइड किया था उस टाइम कि आप जाएंगे दोनों इस पे इस ओवर में हिट रन करने के लिए, जहां पे गया तो दूसरा लंबा जाएगा, मगर वहां पे हमें अल्लाह पाक ने रन दे दिए जहां वहां से निकले और बोर्ड स्कोर पे अच्छा मोमेंटम में आ गए हम सारे, जिसकी वजह से इजी हो गया आगे के लिए खेलना। Okay, for those on Zoom, Mohammed Rizwan is just going to leave us now, so we're going to be left with Shaheen Afridi, who will take the rest of the questions. There are more questions in the floor here, so I will just hand over. One second. Assalamu alaikum. Jamil Hassan, Mashraq TV, na tasu tattoola na pehle umbarak yu. I'm dwem sawal zamadari tasu na chede Muhammad Amir pa ghair mojud gai ke pa tasu bandi sumra pressure ho pa social media o pa mainstream media wani tolo na sato tawakwaat ziyat ho aur tasu chi kam in swingers pa pehle o dwem hour ki uish tal no dalak explain kai. Pashto urdu me do. Urdu me do ki pashto me? Pashto me do. Walaikum. Aapko dusre me samjha dunga. वालेकुम सलाम और डेरा मेहरबानी। बिल्कुल अवल होटल ना द अल्लाह पाक डेर शुक्र दे, आई थिंक द पाकिस्तान द पारा डेर द फखर खबर है दाची लगा, मतलब इंडिया ना मैच उगट लो वर्ल्ड कप की टीम मैच हम लोग बिल्कुल अमीर पाकिस्तान द पारा डेर खबर परफॉर्मेंसेस करी थी, बस आई थिंक माँ उनका कोशिश हो चे कल ना जन्नी बॉल मंदिर अगले माँ कोशिश हो टीम द पारा विकेट वाले हम पहला ओवर के सो अल्लाह पाक पाके कैसे कामयाब आकड़म सो अल्लाह पाक शुक्र दे पदे में। शाहीन पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक आपको, और जब आप लोग ग्राउंड में उतर रहे थे आपको पता है कि हमने पहले फील्ड करना है, बाबर आजम ने आपको पहले बॉल दिया पहले ओवर में, तो उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? नहीं वो तो मुझे हर रोज बॉल देते हैं लेकिन इतने बड़े मैच में वर्ल्ड कप की ओपनिंग थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये टीम प्लान था कि पहला ओवर मैं करूंगा फिर इमाद वसीम करेंगे, होता है प्लान चेंज भी होता है, लेकिन यही था बस मेरी यही कोशिश थी कि अर्ली ऑन आके ब्रेक थ्रू टीम को जो टीम की रिक्वायर्ड होती है मुझसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ कोशिश की, बाकी अल्लाह पाक ने रिजल्ट दी। कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आज पहले इंडिया की पारी में भी हमने देखा कि विराट ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे काफी फोकस किया था, फिर जब बाबर और रिजवान ने बैटिंग की तब फिर से काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स रही, तो इस टूर्नामेंट में गिवन कि पिचेस थोड़े स्लोअर साइड पे रह रहे हैं, आउटफील्ड बड़ा है, तो आपको लगता है कि ये वंस और टूज रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा?
बिल्कुल देखिए विकटें जो है बहुत अच्छी विकटें, मतलब थोड़ा सा उस पर स्पिन और फास्ट बॉल को हेल्प इसलिए मिल रही है कि बॉल ग्रिप हो रहा है, तो आई थिंक बड़े हेड बहुत मुश्किल है कि आखिरी ओवर में लगे क्योंकि बॉल ग्रिप हो रहा है और मुश्किल है बैट्समैन को उसको बड़ी हेड मारना, तो आई थिंक एक और दो से ना वो उसमें रोटेशन करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आई थिंक उसी में जैसे कोहली ने रन किए, फिर रिजी और बाबर जैसे के लिए आई थिंक क्रेडिट उनको ज़्यादा ज़्यादा है, उन्होंने इतना अच्छा मैच बनाया और फिनिश किया। शाहीन भाई आप रोहित का रिस्म चला, आप थोड़ा बता सकोगे कि मतलब वो पहले से प्लान था या वो आप उसी समय आपने डिसाइड किया कि फुल बॉल ट्राई करेंगे, कैसा था? बिल्कुल देखिए मेरी स्ट्रेंथ भी है नए बॉल से ऑकर मारना और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ब्रेक थ्रू टीम को, आई थिंक प्लान किया था, बिल्कुल प्लान के साथ गए थे और उसमें सक्सेस मिला। मेरी यही कोशिश थी कि हाफ भी हो जाए, मतलब थोड़ा सा अगर भी मुझे स्विंग मिला या मेरा बॉल डिप हो गया तो आउट हो जाएगा, तो उसमें मैंने सिर्फ कोशिश की, बाकी अल्लाह पाक। So from virtual session, can we ask Anuj and then Rohit the two questions, please? Shaheen, जैसे अभी आपने बताया रोहित की विकेट मिली और आपने प्लान कर रखा था, पर आपने क्या ये भी प्लान कर रखा था कि इंडिया वालों को बैटिंग ही नहीं करने दोगे आप फर्स्ट सिक्स ओवर्स में? नहीं, प्लान यही था कि आई थिंक पहली बार मैंने भी पावर प्ले में 3 ओवर किए, तो मेरी यही कोशिश थी, मेरे बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा था तो मेरा यही था कि मैं टीम को ब्रेक थ्रू दूँ क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट थी और वो कंडीशन ऐसी बन गई थी कि मेरा बॉल थोड़ा सा हिल रहा था, तो बस उसी में मैंने सिर्फ कोशिश की, बाकी रिजल्ट अच्छे मिले। शाहीन भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली उसके बाद जब क्रीज पर थे तो उनके साथ उनके अगेंस्ट भी कोई प्लान था आपका, क्योंकि वो उस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नहीं दिखा जिस तरीके से हमने देखा कि रोहित को जिस तरीके से डिसमिस किया या केएल राहुल को आपने जिस तरीके से आउट किया, विराट के अगेंस्ट भी प्लान था? थैंक यू। पहले तो बिल्कुल प्लान किया था, देखिए विराट कोहली नो डाउट नंबर वन प्लेयर है और थिंक बाबर और विराट में कोई वो फ़र्क नहीं है, दोनों सेम खेलते हैं। जैसे मैं बाबर को बॉलिंग करता हूँ नेट्स में, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं विराट कोहली को भी वैसे बॉलिंग करूँ, प्लान था। लेकिन वो वैसे जब मैं तीसरे ओवर के लिए आया दूसरे ओवर में, वैसे मुझे उसके बाद स्विंग नहीं मिला या सीम, तो मेरी यही कोशिश थी कि उसको कंटिन्यू करूँ, सिर्फ लेंथ पे हिट करूँ और आखिर में आके थोड़ा स्लो कटर करूँ, तो उसमें फिर प्लान आखिर में थोड़ा सा अच्छा रहा उसके खिलाफ क्योंकि वो रूम बना रहा था, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, दिस इज सलमान खान फ्रॉम पुणे। डियर मनना, आपको देर मुबारकबाद। Salman, can I just cut you short there? Sorry, we're just on the last couple of questions. Just a couple of questions in English for you, Shaheen. Congratulations, brilliant performance tonight. 10-wicket win. Was that in some ways the complete performance by Pakistan? Thank you. I think, to be honest, really good feeling for win against India in World Cup and special feeling for our Pakistani. First of all, congratulations for Pakistan. They all sitting and they all pray for us. So yeah, I think we plan just we execute and that. And it was a brilliant performance from yourself. What aspect of the team performance though pleased you most? Yeah, just trying to ball right areas. The way Rizzi and Babar finished the game and the way they're playing, I think credit goes to these two, like one man army showing they both like. So it's good for Pakistan. So start good and yeah, our first game and we're looking forward for more games. Okay, thank you very much, everyone. Thanks for your time. Cheers, Shaheen.